फिर से देखो, ए मास ऑफ 1 kg इज अटैच्ड टू 1 end ऑफ स्ट्रिंग इज फास्ट लिफ्टेड ऑफ है कि नहीं विद एन एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन लोअर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इन 2 cases. ठीक है फ्रेंड, लास्ट क्लास आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, वंस अगेन आई विल लाइक टू रिकैप्चुलेट द थिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, एक लिफ्ट है ना, पूरा लिफ्ट मूविंग प्लेटफॉर्म पे. यहाँ पर इसको सपोर्ट है, इस पर टेंशन टी आता है और यहाँ पर एक बॉडी जिसका मास 1 kg है और वेट नीचे की तरफ, और एक बार लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, फिर केस टू में लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, राइट. दोनों केस पे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास, टेंशन अगर इस पॉइंट से देखूँ तो टेंशन ऊपर की तरफ, और अगर इस पॉइंट से देखूँ तो नीचे की तरफ. अगर बॉडी एक्सीलरेट ऊपर की तरफ हो रहा है तो डेफिनेटली टेंशन इज ग्रेटर देन mg, राइट. एंड व्हाट इज द नेट फोर्स? टी माइनस mg इज इक्वल टू ma. आई हैड टोल्ड दिस थिंग लास्ट क्लास, यस और नो? व्हेन अ बॉडी इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, राइट और नॉट? एंड व्हेन द बॉडी इज डाउनवर्ड, देन व्हाट इज द फार्मूला? mg माइनस t इज इक्वल टू ma. समझ पे आ रहा है ना? इफ द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना, a एक्सीलरेशन पे, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिस इज द इक्वेशन, अगर ma एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ. इज दैट क्लियर और नॉट टू ऑल? है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो जब अपवर्ड हो रहा था तो यहाँ पर टेंशन कितना आ रहा था ना सर? T is equal to m taking common g plus a, right? और जब नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो तो टेंशन कितना आ रहा था? m taking common g minus a. Is that clear or not? शुभम, पूरा आयुष, yes. Please, before every class you read whatever being taught in the last class, okay? So see here. अगर मैं इसको न्यूमेरिकल पे अप्लाई करूं, ठीक है, तो जब पहले केस पे जब ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हुआ था तो टी वन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए है कि नहीं, दैट इज इफेक्टिव एक्सीलरेशन. एम इज 1, जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ए जो है वो 4.9 दिया हुआ है, राइट. इसको पूरा सॉल्व करना है, 9 8 17, तो 9 14 14, राइट. दिस इज टी वन. एंड व्हेन द मास इज लोअर्ड विद द सेम एक्सीलरेशन, व्हेन द मास इज लोअर्ड विद द सेम एक्सीलरेशन, राइट. When the mass is lowered with the same acceleration, when the mass is lowered with the same acceleration, right? Then T2 is equal to how much? M taking common G minus A, right? So that is equal to 1 into 9.8 minus 4.9. Okay. So that is how much? 4.9 Newton, right? Understood. तो उसने रेशियो पूछा है T1 by T2 का, तो T1 by T2 is equal to 14.7 by 4.9, तो approximately it will be 3:1 exactly, okay? This is the answer to the ratio, ठीक है? Solution. Just note it down. Keeping in mind this concept, let's go to concept of weighing machine and spring balance, right? Give heading first, concept of weighing machine, ठीक है ना? Give heading, concept of weighing machine, right? Concept of weighing machine. Machine को MC लिख रहा हूँ, ठीक है? Concept of weighing machine, है ना? What is that? Students, मैंने यहाँ पर एक weighing machine रखा, ठीक है? और आपको पता है ना, यहाँ पर ऐसे एक रहता है, डॉक्टर के पास जो रहता है, यहाँ पर दिखाता है आपकी जो जितना मास है, करेक्ट है ना? यस और नो? दिस इज वेइंग मशीन, गेटिंग और नॉट? स्टूडेंट, जब एक इंसान यहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है, व्हेन अ पर्सन स्टैंड अनसीन, स्टैंड्स अनसीन, ठीक है, तो वो क्या करता है? इट पुट्स इट्स वेट ऑन द वेइंग मशीन ना स्टूडेंट्स, यस और नो? जब कोई पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है तो वो क्या फोर्स अप्लाई करता है? अपने वेट के बराबर वेट अप्लाई करता है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस और नो? और वेइंग मशीन भी डालेगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स, यस और नो? दैट इज नॉर्मल फोर्स, और एन कह सकते हैं, गेटिंग और नॉट? है ना? तो एक इंसान अपना पूरा वेट, वजन जो है वो वेइंग मशीन के ऊपर देता है, तो वेइंग मशीन भी उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ रिटर्न करता है. जब रिटर्न करता है तो वो डिफ्लेक्ट होके किस में? पॉइंटर में दिखाता है कि नहीं? एक्चुअली वेइंग मशीन क्या मेजर करता है स्टूडेंट्स? वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स द वेट, मतलब वेट मतलब इन टर्म्स ऑफ, अगर हम दूसरे में बोलेंगे, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? दैट इज आल्सो इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, राइट और नॉट? Yes or no students? So आप लोग यहाँ पर लिखो, just right. Weighing machine always measures normal reaction, right? Weighing machine, right?
वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स, क्या मेजर करता है स्टूडेंट्स? नॉर्मल रिएक्शन, है ना? नॉर्मल रिएक्शन मतलब बैकएंड पे उसे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन को कौन अटैक, क्यों, व्हाई इट इज अराइजिंग, बिकॉज ऑफ वेट ना, यू सर नो है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये हमेशा मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन को, बट रीडिंग क्या दिखाता है स्टूडेंट्स? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या है? वो तो वेट नहीं दिखाता ना आपका, आप 70 किलो हो मतलब वो 70 किलो तो दिखाता है ना, करेक्ट? यस सर नो? तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, राइट, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है ना, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन बाय जी स्टूडेंट्स, जस्ट राइट, इन केजी, है ना? और ये मेजर करता है जो किस पे, न्यूटन पे, किस पे मेजर करता है स्टूडेंट फोर्स को, न्यूटन पे, और रीडिंग जो दिखाता है कैसे दिखाता है स्टूडेंट, केजी पे, समझ पे आ रहा है? अंडरस्टूड स्टूडेंट? कैसे दिखाता है, कैसे दिखाता है रीडिंग? एन बाय जी, गेटिंग ना स्टूडेंट्स? यस और नो स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट? यस सर, ठीक है। उसका वेट 60 के, उसका मास 60 केजी है, बट वो फोर्स कितना डाल रहा है विंग मशीन के ऊपर, उसकी वेट mg के बराबर, राइट? दैट इज 60 into 10, 600 न्यूटन, है ना? ये सर नो? सो यहाँ पर कितना है, नॉर्मल फोर्स इज 600 न्यूटन, राइट? बट रीडिंग ऑफ विंग मशीन क्या दिखाएगा, n by g ना? गेटिंग ऑन स्टूडेंट्स? रीडिंग n by g kg, मतलब 600 by 10, that is equal to 60 kg, समझ पे आ रहा है? Getting? देखो, important concept ये है कि इससे पहले तो मैंने आपको टेंसर निकालना थोड़ा बता दिया मूविंग प्लेटफॉर्म पे, है कि नहीं? एक लिफ्ट है, दिस इज द लिफ्ट, एलिवेटर कहते हैं, ठीक है? कहेंगे क्वेश्चन पे, ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है और मैंने यहाँ पर लिफ्ट पे एक वेइंग मशीन रख दिया, करेक्ट स्टूडेंट्स? और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है जिसका वेट मान के चलो 60 केजी है, बट फिलहाल मैं उसको एम लेके चल रहा हूँ, तो ये कितना फोर्स डाल रहा है वेइंग मशीन के ऊपर, mg, राइट? और वेइंग फोर्स भी कितना फोर्स डालेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो स्टूडेंट्स? एंड तो पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन पे जा रहा है, करेक्ट? जैसे हमने टेंशन को डील किए थे, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू नॉट, n इज नॉट इक्वल टू mg, इस केस पे n इज नॉट इक्वल टू mg स्टूडेंट्स, है ना? क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाए तो कहीं ना कहीं पे n इज ग्रेटर देन mg, राइट? n इज ग्रेटर देन mg, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? यस, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज जीरो, इफ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इन दैट केस आई कैन से n इज इक्वल टू mg, बट हियर n इज नॉट इक्वल टू mg, देन व्हाट इज m? n is greater, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब obviously normal reaction ज़्यादा हो रहा है, ये सब नो, इसलिए तो ऊपर की तरफ जा पा रहा है, so net force कितना है, n minus mg is equal to ma, getting or not students? Again right? अगर मैं free body diagram बना दूं, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना, correct? ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, normal force लग रहा है, और पूरा system ऊपर की तरफ जा रहा है ना, है कि नहीं? zero force की concept में बताऊंगा थोड़ा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? एक ऊपर की तरफ जा रहा है बॉडी, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, बट पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, सो डेफिनेटली एन इज ग्रेटर ना, यस और नो? यस। एंड हाउ मच ग्रेटर, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम, बिकॉज नेट फोर्स जो है वो मास ऑफ द बॉडी इज एम, और वो ए एक्सीलरेशन पे जा रहा है, तो एफ नेट इज एम है ना? क्लास क्लास पे हमने डिस्कस किया था, और आज शुरुआत वाला प्रॉब्लम भी ठीक इसी तरह किए थे टेंशन पे, इज दैट क्लियर और नॉट? 60 पूरा मनीष शुभम, ठीक है? तो यहाँ पर मैं नॉर्मल लगा सकता हूँ, n इज इक्वल टू हाउ मच, mg प्लस ma कर सकता हूँ ना, राइट? सो दैट इज m इनटू g प्लस a, लिख सकता हूँ कि नहीं? सो दैट इज इक्वल टू m इनटू g इफेक्टिव, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है सिस्टम की वो कितना हो जाएगा, g प्लस a हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? है ना, गेटिंग अ नॉट थिंग? समझ पे आ रहा है कि नहीं, ये क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट? जब लिफ्ट रेस्ट पे था, इन दैट केस n इज इक्वल टू mg, राइट? बट अभी लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है, तो n इज नॉट इक्वल टू mg, तो n जो है ना वो चेंज हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल चेंज, है कि नहीं स्टूडेंट्स? एंड हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज n डैश इज इक्वल टू m इनटू g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव क्या है यहां पर, g प्लस a, जब ऊपर की तरफ जा रहा है, यस और नो?
गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? यस। और यहां पर इंडेक्स कितना हो जाएगा वैल्यू अगर पुट करेंगे तो m n m 60 kg है और g कितना है 10, करेक्ट? यस और नो? तो इंडेक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 600 न्यूटन हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? गेटिंग और नॉट? यस। इंडेक्स 600 न्यूटन हो जाएगा क्या? नहीं तो, बिकॉज जी इफेक्टिव इज नॉट जी ना, तो कितना होगा यहां पर 10 प्लस ए लिखेंगे, करेक्ट? विल राइट यर 10 प्लस ए है कि नहीं, क्योंकि जी के जगह पे मैंने 10 डाल दिया, सो दैट इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स हमने यहां पर मान के चलो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने बता दिया, कितने में एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गेटिंग? ये जो ए है लेट इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गेटिंग और नॉट? स्टूडेंट समझ पे आ रहा है? तो यहां पर इंडियास कितना हो जाएगा, इंडियास इज इक्वल टू 6 × 12, सो दैट इज 720 न्यूटन है ना, लेकिन जब रेस्ट पे था तो एन क्या था, 600 न्यूटन था, when it was at rest n is equal to mg tha, at that case n is equal to how much, 600 newton, yes or no? Yes. To yahan par reading of weighing machine kitna dikhayega, kya 60 dikhayega kya abhi? Maine reading of weighing machine kya bataya aapko, n by g na, yes or no? N dash by g hai ki nahi? और एस कितना आया मेरा यहाँ पर, 720 आया, 720 बाय 10 तो कितना दिखाएगा अभी वेइंग मशीन का रीडिंग कितना दिखाएगा, 72 केजी, समझ पे आ रहा है ना स्टूडेंट्स? आप नॉर्मली डॉक्टर के पास गए हो, आपका वेट मास मान के चलो 60 केजी है, आप खड़े हो गए 60 केजी डिफ्लेक्ट किया वेइंग मशीन पे, बट पीछे में क्या हो रहा है, मैंने बताया आपको कि वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है, राइट? वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, और जो रीडिंग दिखाता है क्या करता है, बाय जी करके दिखाता है, इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस। अभी लेकिन ये मूविंग प्लेटफॉर्म पे ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन पे, तो एन इज ग्रेटर 60, गेटिंग और नॉट? सो दैट एन डैश अभी क्या हो जाएगा ना, एन डैश माइनस एम जी, ऊपर की तरफ एन है नीचे की तरफ एम जी है, राइट? ऊपर की तरफ देखो एन है, करेक्ट? ऊपर की तरफ एन है और नीचे की तरफ mg है, और पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए मैंने लिखा n minus m, n dash minus mg is equal to ma, तो n dash कितना हो गया, g plus a हो गया, करेक्ट? तो मैंने वैल्यू डाल के अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहां पर वेइंग मशीन का रीडिंग कितना दिखाएगा स्टूडेंट, 72 kg दिखाएगा ना, इज दैट क्लियर टू ऑल और नॉट? जस्ट नोट इट। छोटी उसी सेम क्वेश्चन पे, ठीक है, अगर ये मेरा वेइंग मशीन है, ठीक है, पर्सन यहाँ पर खड़ा है, अभी नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो मास ऑफ द पर्सन इज 60 केजी है कि नहीं, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन पे दिया हुआ है, एंड ए इज इक्वल टू द सेम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना होगा, बताओ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं फ्री बोर्ड डायग्राम बनाऊंगा, नीचे की तरफ एम जी है ना, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, बट इस बार वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, सो दैट मींस इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, mg माइनस n डैश इज इक्वल टू ma ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? यस सर। तो n डैश इज इक्वल टू हाउ मच, mg माइनस ma, करेक्ट? तो m होल इनटू g माइनस a है ना, दैट इज n डैश, कहीं कहीं पे इसको इफेक्टिव एक्सीलरेशन भी लिखा जाता है, n डैश इज इक्वल टू m इनटू g इफेक्टिव, जब नीचे की तरफ एक्सीलरेट होता है तो g इफेक्टिव कितना हो जाता है, g माइनस a, गेटिंग और नॉट? और यहां पर स्टूडेंट अगर मैंने बताया कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगा, तो इंडियास इज इक्वल टू हाउ मच ना सर, 60 × 10−2, है कि नहीं? g माइनस n है ना, तो दैट इज 60 × 8 = 480 न्यूटन, बट रीडिंग क्या दिखाएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ रीडिंग क्या होता है, इंडियास बाय g, यस और नो? रीडिंग क्या दिखाएगा वो, इंडियस बाय जी के जी, राइट? सो दैट इज 480 × 10, कितना हो जाएगा, 48 केजी, समझ पे आ रहा है? अगर नीचे की तरफ वो एक्सीलरेट कर रहा है तो कितना दिखाएगा, 48 केजी, ऑल गॉट और नॉट? जस्ट कॉपी इट, ऐसा दिया हुआ था कि वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, राइट?
वो ऊपर की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है ना। अगर ऊपर की तरफ उसने दे दिया कि डी एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब इट इज डी एक्सिलरेटिंग अपवर्ड, यस सर नो, तो क्या बदलाव आएगा क्वेश्चन पे? इट इज डी एक्सिलरेटिंग, मतलब क्या हो जाएगा? अभी नीचे की तरफ एम जी है, राइट, ऊपर की तरफ एन है। देखो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ एन, और ए इज इक्वल टू माइनस है ना, नेगेटिव है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एन माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस एम ए लिखेंगे क्या? माइनस एम ए लिख देंगे ना, यस सर नो। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो एम जी माइनस एम ए ना, समझ पे आ रहा है कि नहीं क्या बता रहा हूं मैं? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था तो इसलिए प्लस ले रहे थे, ऊपर की तरफ डी एक्सेलरेट करेगा तो चेंज हो जाएगा, यस सर नो। स्टूडेंट्स गेटिंग? डी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड अगर क्वेश्चन पे दे दिया, राइट, अगर उसने फिर बताया कि नीचे की तरफ डी एक्सेलरेट कर रहा है, इट इज डी एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कर रहा है, बट ए इज इक्वल टू माइनस 2 m/s², तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ना सर, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस एम है ना, करेक्ट, ये सर नो। तो एन इज इक्वल टू हाउ मच? एम जी प्लस एम है ना, ये सर नो। समझ पे आ रहा है क्या चेंजेस आ रहा है? तो डी एक्सलेट देगा तो हम ए को नेगेटिव ले लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, करेक्ट। इफ स्टूडेंट ऐसा दे दिया कि लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कितना है? यस, इस लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो, तो इन इन दैट केस ऑलवेज एन इज इक्वल टू एम जी, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो एम जी है दैट इज एन, करेक्ट। जस्ट ये दो पॉइंट्स को नोट कर दो, नेक्स्ट पे। वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट था जहां पर कि नॉर्मल रिएक्शन मेजर होता है और रीडिंग कैसे दिखाते हैं, एन बाय जी करके, राइट, है ना? ठीक उसी तरह इन द सेम वे लेट्स गो टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? अभी ये समझ पे आ जाएगा स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी आपको टेंशन कैलकुलेट करना आ गया है, ठीक है? स्प्रिंग बैलेंस समझते हो कि नहीं? इस तरह लटक रहता है, करेक्ट, है ना? और इस पे आप ऐसे लगाते हो बॉडी एम को, है ना, जो भी है यहाँ पर, जैसे भी रीडिंग रहता है, करेक्ट। तो फाइनली ये एक स्ट्रिंग ही है ना, ये स्टेबल है, तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू एम जी है ना स्टूडेंट्स, राइट? तो एक स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज मेजर्स व्हाट? टेंशन। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है लक्ष्मी प्रिया? स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स व्हाट? टेंशन। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है स्टूडेंट्स? टेंशन। बट रीडिंग क्या दिखाता है मोनिश? टी बाय जी के जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, करेक्ट और नॉट? समझ पा रहा है ना स्टूडेंट्स? आपका जैसा वेइंग मशीन था, ठीक उसी तरह स्प्रिंग बैलेंस है, वो टेंशन मेजर करता है, बट रीडिंग क्या दिखाता है? केजी में दिखाता है ना, तो बाय जी करके दिखाता है, यस और नो? अभिनव गेटिंग? तो अभी मैंने क्या किया, वही क्वेश्चन पे हमने दो चीज मैंने बना दिया, तो आराम से आप लोग समझ जाओगे। देखो अभी वही स्प्रिंग बैलेंस जो है ना, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? वहां पर एक बॉडी लगा है एम जी, करेक्ट, एम लगा है, और ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक उसी तरह लिफ्ट में स्प्रिंग बैलेंस लगवा गया है, ठीक है? और यहां पर बॉडी क्या हो रहा है, एम मास का बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, समझ पा रहा है ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, नीचे की तरफ क्या है, एम जी है ना स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन है ना, है कि नहीं? और बॉडी किस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है कि नहीं? तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, वी कैन राइट और नॉट? और यहां पर क्या हो रहा है, वही mg नीचे की तरफ, मनीष गेटिंग ना, टेंशन ऊपर की तरफ और बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, सो दैट मींस mg - t इज इक्वल टू ma ना, राइट और नॉट? यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, mg + ma, करेक्ट? यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, mg - ma, यस और नो? है कि नहीं?
सो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा एम होल इंटू जी प्लस ए राइट, और यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा एम होल इंटू जी माइनस ए। समझ पे आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? गेटिंग ना? यस सर। यहाँ पर अगर मैंने आपको बता दिया कि यार इसको 60 केजी ले लो और इसको भी वही उसी तरह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, तो व्हाट विल बी द थिंग, क्या हो जाएगा बताओ? तो टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच सर? 60 इंटू 10 प्लस 2 राइट, दैट इज हाउ मच 720 न्यूटन है ना। और क्या दिखाएगा स्प्रिंग क्या होगा, दैट इज टी बाई जी, दैट इज 720 बाई 10, कितना दिखाएगा 72 केजी दिखाएगा, यस सर नो? And how much will be here? 60 into 10 minus 2, right? That is 60 into 8. कितना हो गया? 480 newton. तो इस केस में रीडिंग कितना दिखाएगा सेकंड केस में जब नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है स्टूडेंट्स? 48 kg. और ये एक्सीलरेट कर रहा है, अगर नीचे की तरफ डी एक्सीलरेट कर रहा है दैट इज ऑल्सो सेम है कि नहीं, और अगर ऊपर की तरफ डी एक्सीलरेट कर रहा है दैट इज ऑल्सो सेम, यस सर नो? नेगेटिव एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ डी एक्सीलरेट कर रहा है माइनस, दैट इज विल बी इक्विवेलेंट टू दिस और नॉट। और यहां पर अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ डी एक्सीलरेट कर रहा है तो दिस विल बी, ऊपर की तरफ डी एक्सीलरेट करना मतलब नीचे की तरफ क्या है एक्सीलरेट करना ना स्टूडेंट, तो अपवर्ड एक्सीलरेटिंग राइट, अपवर्ड एक्सीलरेटिंग का मतलब क्या है डाउनवर्ड डी एक्सीलरेटिंग ना, यस सर नो? डाउनवर्ड डी एक्सीलरेटिंग, यस सर नो? समझ पे आ रहा है कि नहीं? अपवर्ड एक्सीलरेटिंग मतलब डाउनवर्ड डी राइट, और यहां पर डाउनवर्ड एक्सीलरेटिंग मतलब अपवर्ड डी एक्सीलरेटिंग, यस सर नो? डाउनवर्ड एक्सीलरेटिंग मतलब अपवर्ड डी एक्सीलरेटिंग, यस सर नो? यस सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जीरो, टी इज इक्वल टू एम जी, वही रहेगा करेक्ट और नॉट? समझ पे आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। बस नोट कर दो बेटा तुरंत, ये जो सारे केस हमने लिए ना, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ले लिए, और एक्सीलरेशन जो भी वैल्यू हमने लिए दैट इज 1 टू 10 के बीच में है ना, इफ एग्जैक्टली ए इज इक्वल टू जी देन तो जीरो हो गया, तो देन वेट लिस्ट। तो स्टूडेंट देखो, अगर इफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा लास्ट पे, जस्ट कीप इन माइंड, इफ एक्सीलरेटिंग मतलब लिफ्ट जी से भी ज्यादा स्पीड में लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? जहां पर जो रिजल्ट आ रहा था वो नेगेटिव पे चला जाएगा ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कहीं पे भी। मैंने यहां पर लिखा, ये इस केस पे लिखा मैंने टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, और मैंने ए को क्या कर दिया मैंने, नाउ ए इज ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा ना टेंशन, करेक्ट और नॉट? गेटिंग ना? अगर कि कहीं पे भी ए ग्रेटर देन जी हुआ तो अपरेंट वेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वेट मतलब क्या है? नेगेटिव वेट हो गया, हो जाएगा मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है? दैट मींस द बॉडी राइट, द बॉडी इज प्रेस्ड ऊपर की तरफ, वो जाने लगेगा ना, यस नो? दैट मींस द बॉडी इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रूफ, द बॉडी इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रूफ of the lift instead of floor, क्योंकि lift बहुत तेज speed में जा रहा है ना, 10 से भी ज्यादा speed में जा रहा है, ये सब नो? So reaction किस तरफ होगा? Downward हो जाएगा, and so reaction will be downward, downwards, the direction of the apparent weight will be upward, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब आप खड़े हो लिफ्ट बहुत स्पीड में नीचे की तरफ, तो आप ऊपर उठ जाओगे ना, यस और नो? अब जब अब जस्ट थोड़ा इमेजिन करो, जब आप खेलते हो ना, जैसे जो जो गेम आप खेलते हो ठीक है नहीं, तो आप जब यहां से आते हो, जैसे आप बैठते रहते हो यहाँ पर ठीक है नहीं, जब इस साइड पे जब आते हो नीचे की तरफ, तो कैसा लगता है आपको? वेटलेस लगता है ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं स्टूडेंट? मेरी अराउंड पता है कि नहीं? यस सर। तो रिएक्शन विल बी डाउनवर्ड राइट, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ द अपरेंट वेट विल बी अपवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ अपरेंट वेट
will be upwards, right? Just write it, students.